तो आज हम लोग खेलने वाले हैं सन ऑफ आज हम लोग यहाँ पर सन ऑफ ज़ियस यहाँ पर खेलने वाले हैं। हम लोग ने कैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस कर रखी है इस गेम के अंदर। यहाँ पर प्रिंस आइडियन यानी कि जो सन ऑफ ज़ियस है यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा ताकतवर यहाँ पर काम कर रखे हैं। वैसे हम लोग ने यहाँ पर पिछले पार्ट में एलियन बन के भी यहाँ पर गेम को खेला तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया था। वैसे तो हम भी अगर हम लोग आर्मर की बात करें तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर आर्मर को यहाँ पर प्रोग्रेस करके रखे यानी कि यहाँ पर लेवल अप करके रखा है। तो हमारे सर लेवल 18 टू द शिपयार्ड यानी कि कैसे हमारे एलियन को मैंने यहाँ पर टू द शिपयार्ड यानी शिपयार्ड तक मैंने यहाँ पर पहुंचा दिया था। अब हम लोग को कैसे यहाँ पर शिपयार्ड तक जाना है तो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से हम लोग यहाँ पर एलियन से मिल पाए। हम लोग को यहाँ पर इन लोगों को हरा के यहाँ पर फटाफट से पहुंचना है शिपयार्ड में। तो हम लोग यहाँ पर सीढ़ी से उठ के लेफ्ट में मेरे सबसे जाना होगा। यहाँ पर जो भी बंदे खड़े हो गए हम लोग के पास मेरे सबसे यहाँ पर जाना होगा। हम लोग यहाँ पर ज़ियस की पावर यार बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से अच्छा हुआ हम लोग को मिल गए बिकॉज ज़ियस की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा गेम के अंदर काम आती है। हम लोग यहाँ पर यार अच्छी तरीके से यहाँ पर बचना भी पड़ता है, शील्ड को अप करना पड़ता है। हीलिंग पोशन मिलते हुए हम लोग यहाँ पर तीन चुड़ैलों से यहाँ पर अभी लड़ना होगा जो कि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाली है बिकॉज यार एकदम अच्छी तरीके से लोग यहाँ पर हमला करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ब्लॉक करके ही रखना पड़ेगा। ये देखो यार तगड़ी तरीके से हमला करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर कैसे लड़ेंगे। मेरे सबसे हम लोग यहाँ पर ज़ियस की पावर लगेगी सबको हराने में। तो हम लोग यहाँ पर फटाफट से भी इन लोगों को मारना है, यहाँ पर आगे जाना है। फटाफट मारो भाई, ज़ियस की पावर अभी हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मैंने क्या है ज़ियस की पावर को यूज, एक मर गए यहाँ पर, तीनों यहाँ पर मर चुके हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर अंधेरा क्यों गया, ओके यहाँ पर उजाला हो चुका है। हम लोग यहाँ पर शिपयार्ड के पास पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग को इसको मारना है। यहाँ पर अभी हम लोग शिपयार्ड में जा सकते हैं फटाक से। अरे यार आगे एक और एक बंदी खड़ी है, वेट वेट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी कट सीन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर अपना प्रिंस आइडियन यहाँ पर तगड़ी तरीके से यहाँ पर खड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पर एक बंदी को यहाँ पर मार दिया था, देखते हैं यहाँ पर शिप की तरफ यहाँ पर जा रहा है, देखते हैं यहाँ पर कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला। ओके यहाँ पर एक और एक बंदा खड़ा हुआ, ओके एलियन आ चुका है। एलियन यहाँ पर लड़ना चालू करिए फटाफट। एलियन ने यहाँ पर तगड़ी वाली कुलांटी मारी है, यहाँ पर ये बंदा कुलांटी मारते हुए यहाँ पर गिर रहा है जो कि यहाँ पर तगड़ी तरीके से गिर चुका है। थोड़े से पटके खाने से यहाँ पर ये गिर चुका है। यहाँ पर एलियन यहाँ पर स्टाइल में यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, उसके बाद डैगर मस्त वाले, ओके पीछे हेड्स यहाँ पर आ चुके हैं जो कि यहाँ पर क्या करने वाले, ओके यहाँ पर एलियन की तरफ ये मारने वाला है। यहाँ पर एलियन को चाकू घूम लिया, वैसे वो चाकू नहीं तलवार थी। यहाँ पर एलियन के जहाँ पर स्लो मोशन में गिरती हुई हेड्स यहाँ पर अच्छी तरीके से खड़ा हुआ जिससे इसने यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई लड़की को मार के क्या बड़ा काम करता है, मुझे अभी आप आना होगा यानी कि प्रिंस आइडियन को यहाँ पर आना होगा एलियन को बचाने में। एलियन यहाँ पर मेरे हिसाब से मर चुकी है। वॉट भाई, अब तो ये पर्सनली चला गया भाई। अभी हम लोग को यहाँ पर फटाफट से इसको मारना होगा भाई। अभी मैं इसको बताता हूँ मेरी ताकत कितनी ज़्यादा है, मेरी हेल्थ कितनी भी ज़्यादा ले ले मुझे अभी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे बताता हूँ मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अभी मैं बस ज़ियस की पावर यूज़ करूँगा, सब पावर यूज़ कर दूंगा भाई, चाहे ये मुझे कितना भी मार ले। मैं अभी यहाँ पर ब्लॉक ही नहीं करने वाला भाई, जा कुछ भी कर ले मेरे जो यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। कितनी भी ताकत हो तो तेरे अंदर यार मुझे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मार मार मार, अभी हम लोग इसको यहाँ पर मारेंगे। तीर भी मैंने यहाँ पर इसको मार दिया, यहाँ पर ज़ियस की पावर भी वापस आने वाली है जिससे अभी हम लोग यहाँ पर इसको फटक से खत्म कर लेंगे। ज़ियस की पावर हो चुकी है रिचार्ज, ज़ियस की पावर से एक ही फटके में मर चुकी है। चलो अभी हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पर शिपयार्ड में मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर फिर से कट सीन आ चुका है। हेड्स मैंने यहाँ पर सामने खड़ा हुआ, देखते भी हेड्स से लड़ाई होती है या फिर नहीं। हेड्स यहाँ पर स्टाइन मार के खड़ा है, लेकिन एक मिनट यहाँ पर नीचे से भाई ये वाला कुत्ता आ रहा है जो कि मेरे सबसे डॉग था भाई। तीन मुंह वाला डॉग है जो कि थ्री हेडेड डॉग, तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला था। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है बिकॉज ये तीन सर वाला है भाई। ओके ये आ रहा है एकदम स्टाइल में हम लोगों के सामने। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा ताकतवर ये लग रहा है। अभी हम यहाँ पर इसको लड़ने वाले हैं, यहाँ पर इसको हराने की कोशिश भी करने वाले हैं जल्द से जल्द। ओके यहाँ पर ये रोर भी कर रहे हैं, यहाँ पर चिल्ला भी रहा है। तो चिल्ला या कुछ भी कर, हमारा प्रिंस आइडियन यहाँ पर खड़ा है तुझे हराने के लिए। यहाँ पर अभी तू मर के ही जाने वाला है। यहाँ पर अपना ये जो लेवल है ये कंप्लीट हो चुका है टू द शिपयार्ड वाला। तो हम लोग चलते भी यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के अंदर एंड देखते हैं यहाँ पर अभी क्या होने वाला है। ओके सेरबरोस नाम का लेवल है यानी कि उसका नाम सेरबरोस है। रीच एलियन बिफोर इट्स टू लेट। ओके हमारी जो एलियन है यहाँ पर जिंदा है, लेकिन हम लोग को फटाफट पहुंचना है डिफीट टाइटन बीस्ट सेरबरोस। ओके यहाँ पर अभी हम लोग पहले यहाँ पर शुरू कर दिया मारना। ओके वेट, मैं यहाँ पर इससे यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं लड़ सकता यानी कि मैं यहाँ पर इससे यार वन ऑन वन यहाँ पर नहीं लड़ पा रहा हूँ जब यहाँ पर जिंदा है। मेरे सबसे हम लोग को यहाँ पर जब स्टन होगा तभी हम लोग को लड़ना है। देखो ये स्टन हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग को लड़ना है, लेकिन मेरी हेल्थ आप लोग देखो यार लाइक मुझे यहाँ पर पता ही नहीं था मुझे यहाँ पर कैसे लड़ना है। तो हम लोग यहाँ पर रीस्टार्ट कर लेते हैं एकदम पटेक से, यानी कि हम लोग यहाँ पर रीस्टार्ट करके फिर से वापस आना है। यहाँ पर ये सर्वर हाउस आता है, हम लोग को यहाँ पर इसके यार स्टन होने का यहाँ पर वेट करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हीलिंग पोशन में, यहाँ पर ये देखो भाई एलियन की भी हेल्थ हम लोग को दिखाई जा रही है। एलियन की हेल्थ यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से यहाँ पर कम हो रही है, 97-96 तक यहाँ पर पहुंच चुके, किसने यहाँ पर हमला किया है। तो हम लोग यहाँ पर आगे जाते हैं, यहाँ पर ज़ियस की पावर यहाँ पर यूज करते हैं बिकॉज ज़ियस की पावर की बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्थ खा भी रही है। ओ वेट 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 वेट, उसने मेरे यहाँ पर 50 की हेल्थ यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर ऐसे ही बता दो मुझे यहाँ पर यार अच्छी तरीके से यहाँ पर खेलना होगा बिकॉज मैं यहाँ पर मर भी सकता हूँ। यहाँ पर दो ही लिंक के पोशन है बाय द वे, मैंने यहाँ पर अगर गौर किया है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या दो, यहाँ पर फिर से स्टन होने वाला है। हम लोग यहाँ पर पहले यहाँ पर तीर मार देना था कि इसके यहाँ पर हेल्थ थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाए बिकॉज यहाँ पर तीर में यार बहुत ज्यादा पावर होती है। हमारे यहाँ पर तलवार में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी, तीर एंड यहाँ पर ज़ियस की पावर में नहीं। हम लोग यहाँ पर बड़े पीछे जाना है। वेट मैं यहाँ पर बच बच के यहाँ पर खेल रहा हूँ, यहाँ पर हीलिंग पोशन ले लेना चाहिए बिकॉज हीलिंग पोशन यहाँ पर काम आने वाला है बिकॉज यार हीलिंग पोशन मेरे सबसे यहाँ पर 60-90 में सबसे ऐसा कुछ देता है हमारी हेल्थ। एंड यहाँ पर फिर से स्टन होने वाला है, उनको फटाफट से यहाँ पर जाना है ज़ियस की पावर एंड तीर को वापस लाना है बिकॉज ये दोनों हम लोग यहाँ पर फाइट के अंदर बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं।
तो ये भी हम लोग के तरफ माने वाला, हम लोग यहाँ पर फटेक्स का यहाँ पर ज्यूस की पावर को यूज़ करना है। ज्यूस की पावर मैंने यहाँ पर यूज़ कर दें से बता तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसके एलियन की जो हेल्थ यहाँ पर 50% हो चुके हैं। यहाँ पर जो हमारा बंदर उसकी भी यहाँ पर 50% मैंने यहाँ पर ज़्यादा हेल्थ ले लिया बिकॉज इसकी यहाँ पर टोटल थी 1800 एंड मैंने यहाँ पर 900 से कम कर लिए है। हीलिंग पोशन भी मैं यहाँ पर लेता जा रहा हूँ बिकॉज हीलिंग पोशन की मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है बिकॉज एक टाइम में यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा हेल्थ यहाँ पर ले रहा है मेरी। हम लोग यहाँ पर अभी तीर मारना है हल्के से एकदम फटाफट से उसको जाकर मारते हैं। पर ज्यूस की पावर का हम लोग यहाँ पर सबसे पहले रिचार्ज करना है। तो यार ज्यूस की पावर मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए बिकॉज उसकी हेल्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है एलियन की। नहीं 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 ओके यहाँ पर एलियन को बचाते बचाते मैं ही मर गया। ठीक है एलियन की हेल्थ बची यहाँ पर 7%, उसकी हेल्थ बची यहाँ पर 29 एंड मेरी हेल्थ बची यहाँ पर 47। भाई यहाँ पर क्या होने वाला है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। एलियन की हेल्थ यहाँ पर कम होती जा रही है, कब होती जा रही है। यहाँ पर जो सर्वर है उसे हमारे स्टन नहीं हो रहा, ओके यहाँ पर स्टन होने वाला एक ही चांस हम लोग के पास है जो कि एकदम वन ऑफ लाइफ टाइम चांस है। चल मार 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 ओके हम लोग ने यहाँ पर इसको मार दिया। यहाँ पर सही बताओ यार बहुत ज़्यादा तगड़ी बात ये हो जाएगी बिकॉज मेरे पास ना यहाँ पर तीर था ना ही मेरे पास बस जी उसकी पावर यहाँ पर बची थी रिचार्ज नहीं था। ये दोनों यहाँ पर नहीं पर सर बरोस को हम लोग ने यहाँ पर हरा दिया। यहाँ पर सर बरोस गिर गया वो भी हमारे कदमों में है। हम लोग ने यहाँ पर सर बरोस को यहाँ पर गिरा के यहाँ पर मार दिया है। अभी हम लोग देखते हैं पर क्या होने वाला है। सर बरोस यहाँ पर साइड हो चुका है, यहाँ पर हेड्स हमारे सामने आ चुका है यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर वन ऑन वन लड़ सकते हैं हेड्स से या फिर यहाँ पर हेड्स भाग जाएगा। लेकिन एक मिनट हमारा ड्रैगन यहाँ पर वापस आ चुका है यानी कि ड्रैगन अभी हमारी मदद करने वाला है। लेकिन भाई यहाँ पर तू बहुत ज़्यादा लेट आया है भाई, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। ये देखो हेड्स भाग रहे हेड्स भाग रहे हमारे ड्रैगन को देखिए, यहाँ पर हेड्स भाग रहा है यहाँ पर हेड्स यहाँ पर निकल चुका है हमारे चंगुल से। देखो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर ड्रैगन आया, लेकिन ड्रैगन आया है तो अब ये हमारी मदद तो करेगा बिकॉज हम लोग को यहाँ पर अभी जाना है लेजर स्क्रीक के मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखो लेजर स्क्रीक लिख के आया है तो हम लोग यहाँ पर एलियन को यहाँ पर लेके जाना है लेजर स्क्रीक पे। हम लोग को पहले यहाँ पर क्लियर था पाथ यानी कि हम लोग लेजर स्क्रीक का यहाँ पर पाथ क्लियर करना है। तो चलो आज अभी हम लोग यहाँ पर फाइट तो यहाँ पर करनी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एलियन यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर गिर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर हालत खराब हो चुकी है। यहाँ पर प्रिंस आइडियन बैठा हुआ है, यहाँ पर जो हमारा ड्रैगन है यहाँ पर उड़े जा रहा है अच्छे वाली स्टाइल में। यहाँ पर हम लोग अभी जाने वाले हैं लेजर स्क्रीक के आस पास, यहाँ पर ड्रैगन अपने आप स्टाइल में आ गया है वापस से। ड्रैगन यहाँ पर जा रहा है नीचे एंड इसने यहाँ पर यार फालतू में यहाँ पर अपनी जमीन यहाँ पर खराब कर दी। भाई यहाँ पर इसका बिल यहाँ पर कौन बनने वाला है, भाई हमारी जो यहाँ पर बिल है भाई यहाँ पर जो जमीन तोड़ा इसका यहाँ पर पैसा कौन भरेगा। ओके फिर से हमारी एलियन की यहाँ पर हेल्थ आ चुकी, इसका मतलब कि हम लोग को फटाफट यहाँ पर क्लियर द पाथ करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर इसकी हेल्थ यहाँ पर फिर से 100% कैसे हो गए भाई मुझे यहाँ पर समझ में नहीं है बिकॉज इसके यहाँ पर जो हेल्थ यहाँ पर लगभग यहाँ पर 2 या 3 तक पहुंच गई थी जब मैं यहाँ पर सर्वर से लड़ रहा था। तो इन दोनों को भी हम लोग मार देंगे जी उसकी पावर से फटाफट से। भाई मर जाओ ओके यहाँ पर दोनों मर चुके हैं यार फटाफट हम लोग पहुंचने वाले। ओके यहाँ पर एलियन की यहाँ पर 50 से भी ज्यादा बची है, अच्छी बात है। अरे अरे दो बंदे यहाँ पर कैसे आगे खड़े हो गए भाई, अभी हम लोग यहाँ पर अभी फटक से इसको मारना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक को ही मार सकता हूँ, एक बंदा अभी भी यहाँ पर खड़ा रहने वाला है, इसको मतलब कि हम लोग को यहाँ पर इसको लेके आना पड़ेगा इसके दायरे के बाहर। चलो तो ये यहाँ पर मरने ही वाले हैं, यहाँ पर एक बंदी है यहाँ पर ये मर चुके हैं। अभी हम लोग के पास यहाँ पर तीर आ चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको भी यहाँ पर निपटा देंगे जो कि यार एकदम यहाँ पर स्टाइल में खड़ा होता है। लेकिन अभी स्टाइल में खड़े उनकी इसकी यहाँ पर बारी है नहीं, यहाँ पर एक पोशन यहाँ पर एक ही बंदा बचा है। अरे अरे कहाँ जा रहा है भाई, प्रिंस आइडी उसके सर पे क्यों चढ़ गया भाई, उसके सर पे चढ़ गया क्यों मारा भाई, सर पे चढ़ के कैसे मार गया भाई तू उसको, मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो एलियन खेलते हैं बहुत ज्यादा बच्ची, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर फटाफट पहुंच जाएंगे। दरवाजा कैसे खोलूं भाई, ओके मेरे हिसाब से पीछे कहीं ना कहीं बटन होना चाहिए। ओके राइट साइड में हम लोग यहाँ पर बटन दिख चुका है, अभी हम लोग यहाँ पर बटन को दबाते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग फटक से जाते हैं इसके अंदर, वैसे एलियन हमारे साथ नहीं तो यहाँ पर एलियन का चली जाएगी भाई, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। यहाँ पर एंड से भी तो यहाँ पर एलियन आ चुकी है भाई, यहाँ पर एलियन फटक से यहाँ पर आ चुके हैं। एंड से भी तो जब मैं यहाँ पर पहली बार यहाँ पर लेजर स्क्रीक में आया था तो यहाँ पर ये सब कोई ऐसा था ही नहीं भाई, ऑब्स्टेकल थे ही नहीं। जब हम लोग ने यहाँ पर एलियन को पानी के अंदर यहाँ पर फेंक दिया, यहाँ पर एलियन यहाँ पर एकदम अच्छी तरह यहाँ पर लाल कपड़ों में यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, एकदम तगड़ी यहाँ पर हो चुके जैसा कैसे हमारे यहाँ पर पहले टैटू नहीं था हमारे पीठ के ऊपर, अभी हमारे पास यहाँ पर टैटू आ चुके जैसे कि हम लोग यहाँ पर लेजर स्क्रीक से बाहर निकले थे। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करी है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर शिपयार्ड में पहुंचा, फिर मैंने यहाँ पर सर बरोस यानी जो तीन मुंह वाला यहाँ पर कुत्ता था मैंने यहाँ पर उसको हराया, फिर मैंने यहाँ पर एलियन को बचाया, यहाँ पर एलियन यहाँ पर और भी ज्यादा यहाँ पर ताकतवर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जल्दी इस गेम का यहाँ पर एंड होने वाला बिकॉज यहाँ पर इसके यहाँ पर ज्यादा पार्ट मेरे हिसाब से नहीं बचे, यानी कि ज्यादा लेवल नहीं बचे बिकॉज मेरे हिसाब से उसके जो 4 लेवल यहाँ पर कमिंग सून है यानी कि अभी तक यहाँ पर ये डेवलप नहीं हुए इसके 4 लेवल। तो अभी जितने भी लेवल बचे अभी हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर आर्मरी को भी बढ़ा लेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर ताकत को भी बढ़ा के रखेंगे एंड देखते हैं कि अभी यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, हम लोग किस किस से अभी लड़ सकते हैं। तो ये सीरीज यहाँ पर एक्साइटिंग होते जा रही है एंड अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला। अगर आप लोग को देखना है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।